नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आजकल लोग मोबाइल चोरों से काफ़ी परेशान है। लोकल ट्रेन हो या बस में सफ़र के दौरान अक्सर लोग मोबाइल चोरों का शिकार हो जाते हैं। अगर आप एक मिनट के लिए भी घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दें तो आपका मोबाइल गायब हो जाता है। ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय परिमंडल एक के पुलिस उपायुक्त डॉक्टर स्वामी ने चोरी हुई मोबाइल फ़ोन की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। मोबाइल फ़ोन की बढ़ती घटना और पुलिस में मोबाइल चोरी की दर्ज मामलों को देखते हुए ठाणे जोन एक के डीसीपी स्वामी ने दो टीमें गठित की थी। पिछले तीन महीनों में ठाणे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आरडी मालेकर, पुलिस उप निरीक्षक केजी बाबर की टीम ने चोरी की गई मोबाइलों की जानकारी निकाली। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें 61 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं जिनकी कीमत 5,10,000 रुपए बताई जा रही है। इस मोबाइल चोरी की घटनाओं में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी पत्रकार परिषद में डॉक्टर डीसीपी स्वामी ने उन लोगों को मोबाइल फोन भी सौंपी जिनके मोबाइल फोन चोरी हुए थे। जिन लोगों को उनका खोया हुआ मोबाइल वापस मिला तो वहीं डॉक्टर स्वामी के इस काम के लिए उनका आभार प्रकट करते हुए डॉक्टर स्वामी को धन्यवाद दिया। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।